लेकर आती, कहती कि माँ अपनी जिंदगी जी, अपने सपनों को पूरा कर, 40 की हो गई तो क्या हो गया, तू अभी भी सुपर मॉडल बन सकती है और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। तो उस बच्ची को, उस दुर्गा को सलाम, जो अपने जैसे, मेरे जैसे और कितनी माँ को आगे लेकर आ रही है आज, और इस प्लेटफॉर्म पे आज इस शो के जरिए हम ये सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ जसविंदर जी है, बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस। अरुंधति बंडोपाध्याय है, ये मेरे शो की डायरेक्टर है और शो स्टॉपर है, और ये मेरी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्राची वीरा इजादा। वीरा जी, हाँ जी, ये जो है कब से करते आ रहे हैं आप, और ये कौन सा ईयर था आपका, या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? प्लस साइज का भी पहला ऐसा देखा हमने, प्लस साइज का जो फैशन शो है, रैंप है, क्राउन भी है, पहली बार देख रहे हैं? हाँ जी, ऐसे है कि मैं खुद तो एक फिल्म एक्टर हूँ प्रोफेशन से, फिर मेरी बेटी ने मुझे प्लस साइज इंडस्ट्री की तरफ मेरा रुख किया, एंड देन आई वेंट अहेड एट 48 आई वॉक्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटीमेट प्लस साइज शो इन द वर्ल्ड। तो वो मैंने वॉक किया, एंड उसके बाद मैंने काफी रैंप शोज किए जहां पे प्लस साइज को मैं रिप्रेजेंट करती थी, और काफी शोज किए मैंने एज ट्रेनर, एज ज्यूरी, एज मेंटोर। पर मैंने फिर अपनी ही कंपनी खोली और मैंने कहा कि मैं अपने सपनों को अपने विजन से पूरा करूंगी, ना कि दूसरों के विजन से। तो कैलेंडर जर्नी का जन्म हुआ, और सबसे पहला हमने शो किया वर्धा, विच इज अ वेरी स्मॉल सिटी इन महाराष्ट्र। हमने इंटीरियर्स को टारगेट किया ताकि इंटीरियर्स में भी लोगों को पता चले कि प्लस साइज मॉडलिंग एजलेस और LGBTQ कम्युनिटी को भी एक रास्ता मिल सकता है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो हमने वहां से वर्धा से शुरू किया पहला सीजन, और आज ये हमारा सेकेंड सीजन है मुंबई में। देख, लंबी छलांग ली है हमने। प्लस साइज की अगर बात करें, जब वेट बढ़ जाता है, लोग घर से निकलने के लिए वो टेंशन रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग तिरस्कार की जिंदगी जीते हैं, जी, जी, जी। कुछ कुछ कमेंट करते हैं, और यहाँ रैंप पे चलाना बिल्कुल कितना प्राउड है आपके लिए? बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है सर, क्योंकि हम जिंदगी भर एक बॉडी शेमिंग फेस करते हैं सोसाइटी में, बचपन से लेके बड़े होने तक, क्योंकि कोई अपनी खुशी से प्लस साइज नहीं होता है, या तो वो बॉडीली वैसा होता है, या उसको कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, या कोई जेनेटिकली वैसा होता है, कोई अपने शौक से नहीं चाहता है कि वो भद्दा दिखे, मोटा दिखे, कैसा दिखे। तो हम ये एक मुहिम चला रहे हैं जिससे वी आर हैप्पी द वे वी आर। अगर हम मोटे हैं सो व्हाट, हम बाकी लोगों से कुछ कम नहीं है, हम उतना ही काम करते हैं, उतनी ही एनर्जी के साथ रहते हैं, और वो हर चीज करते हैं जो पतले लोग कर सकते हैं, तो मोटे क्यों नहीं कर सकते। 50-55 के ऊपर की औरतें आज मेरे शो पे 71 ईयर ओल्ड की एक औरत वॉक कर रही है, एक 4 साल की बच्ची वॉक कर रही है, एक 61 ईयर ओल्ड LGBT कम्युनिटी का सदस्य वॉक कर रहा है। तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि बताए दुनिया को कि हम ऐसे हैं, और हम खुश हैं, हम प्राउड हैं, और हम किसी से कम नहीं है। एक चीज है, सॉरी टू से, कि आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ होगा जिससे इंस्पायर होकर आपने सब चीज किया, वो वाक्य शेयर करना चाहेंगे? वाक्य तो बहुत सारे हुए, कहीं ऐसे मौके पर जहां आपको लगा होगा कि यार हमें तो करना चाहिए। हमें तो करना चाहिए इसलिए लगा क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि प्लस साइज मॉडलिंग जैसी कोई चीज होती है। लेकिन हाँ, बचपन से मैं हेल्दी लड़की थी, काफी बॉडी शेमिंग फेस किया, शादी नहीं हो रही थी मेरी क्योंकि मेरा वेट बहुत था, और आज ये वेट को लोग इतना खूबसूरत मानते हैं कि कर्व्स हैं। जब इंटरनेशनल पेजेंट में मैं जाके वॉक करती हूँ US और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, तब कहते हैं कि यू हैव अ ब्यूटिफुल फिगर। तो भाई, ये ब्यूटीफुल फिगर तब क्यों नहीं था जब शादी के लिए लड़के आ रहे थे। तो आज ये प्लस साइज जो है, दिस इज अ न्यू सेक्सी, और आज मैंने देखा है यंग बॉयज सामने आगे आके बोलते हैं कि हम एक प्लस साइज लड़की से शादी करना चाहते हैं, हम दुबली पतली से नहीं शादी करना चाहते। तो यहाँ हम जीत गए, यहाँ हम जीत गए इस रेवोल्यूशन से। क्या लड़कों का थिंकिंग बदल गया है कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, दिल की अच्छी होनी चाहिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी बॉडी से कुछ नहीं होता। सुंदरता इज नॉट इन द फिजिक, इन द बॉडी, इट्स हियर। मतलब खूब खाओ और रैंप पे आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कि खूब खाओ रैंप पे आ जाओ, पर अगर कोई खाने में रुचि रखता है तो क्यों अपने आप को भूखा मारे? हिंदुस्तान वैसे ही बेचारा बहुत स्टार्विंग कंट्री है, तो हम अपने आप को भूखा क्यों मारे? हम खाए पिए ना अच्छा, जब कमा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो अच्छा खाएं। हम ओबेसिटी को प्रमोट नहीं कर रहे कि चलो चलो मोटे हो जाओ और प्लस साइज मॉडलिंग करो, हम वो नहीं कर रहे। आपकी बेटी से जानना चाहेंगे सेंटर में, ये या आपका परिचय पूरा? मेरा नाम तान्या मालजी है, इनकी बेटी हूँ, एंड मैं शो की डायरेक्टर भी हूँ। मैंने एक्चुअली इनको सिर्फ जितना भी मुझसे हो सका मैंने सपोर्ट किया है, बाकी पूरा इनकी मेहनत है, एंड बाकी मैं क्या बोलूँ।
महीनों की मेहनत रही है एंड आज जब इतनी सारी मॉडल्स को साथ में देखते हैं एंड इतना खुश देखते हैं, इतना एनर्जाइज देखते हैं, तो प्राउड फील होता है कि हम ये सब अरेंज कर पाए हैं एंड इतना खुश है सब लोग. मुंबई में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपने क्रांति ला दी इस चीज को लेकर. कि लोग घर से नहीं निकलते थे या माँ बेटी दोनों ने मिलकर ये जो रेवोल्यूशन लाए, इसके बारे में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत. और हम दोनों बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग आज जब ये सारी औरतें यहाँ खड़े होके जब मुझे आके कहती है कि बीना गॉड ब्लेस यू, दिल से आपके लिए दुआ निकल रही है, हम लोग आज सोच भी नहीं सकते थे कि हम ये कर सकते हैं जिंदगी में, तो जो खुशी मुझे मिलती है. मैंने जब ये शुरू किया था तो मैंने कहा था मेरी बेटी से कि अगर मेरे इंस्पिरेशन से अगर एक औरत की जिंदगी भी बदल जाती है ना, तो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सॉर्टेड इन माय लाइफ. पर आज मैं यहाँ पे 32 औरतों की जिंदगी बदलते हुए देख रही हूँ, और इससे पहले जो मैं हजारों औरतों की जिंदगी बदल चुकी है, उनके लिए मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे एक जरिया बनाया उन्होंने लोगों की आंखों में वो चमक देखने के लिए, वो खुशी देखने के लिए. आपका परिचय बीच में ले लिया. जी, मैं अनुभूति बंदोपाध्याय हूँ. मैं पेशे से एक अदाकारा हूँ. मैं आई एम एक्टर. तो बीना जी से मेरा पहली मुलाकात सेट पे हुआ था, तो दैट टाइम एंड वी आर जस्ट बेस्टीज. कितने सहमत हैं की बात से आप? मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ. मैं बहुत ज्यादा, पहले हमको इसीलिए कास्ट किया गया था कि वी आर जस्ट एंटायरली डिफरेंट बॉडी. लॉरेन हार्डी. हाँ, बाद में मैं थोड़ा वेट गेन करके दूर करने की कोशिश की, बट ओके. बट दिल से ये इतने अच्छे इंसान हैं जो मुझे इनकी तरफ खींच गया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ बेस्टी लाइक हर. शी इज अ सपोर्ट. जो रैंप जो प्रोग्राम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ ये देखने के लिए कि अगर इंसान के अंदर इतनी जागरूकता आए कि वो इंसान को इंसान की तरह समझे, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई नाटा, ये सब ना देखे, एंड धीरे धीरे ये करते हुए हमारे अंदर जात पात या धर्म या भेदभाव जितने हैं, इंडिया तो इसीलिए कल्चरल हेरिटेज इतना ज़्यादा इंडिया की इसलिए है कि हम सब में बहुत सारे खूबियाँ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, फिर भी हम एकजुट हैं, तो उसी को ये शो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. हाँ जी, आपका नाम? हेलो, मेरा नाम जसविंदर गार्डनर है. मैं भी एक्टर हूँ, टीवी फिल्म करती हूँ, और हम लोगों ने एक साथ काम किया है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ जो ये कर रही हैं. आई मीन इट्स रियली कमेंडेबल. हम एक्चुअली तीनों ने एक साथ काम किया है. इस पर जोर नहीं, सोनी टीवी, सोनी को प्रमोट कर दिया. तो वही पेंटी इनसे मुलाकात हुई थी मेरी, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज इनकी बदौलत. एंड आई एम रियली आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट हर कि जो ये कर रही हैं सचमुच एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रही हैं. इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि एक्चुअली हमेशा ब्यूटी को वो स्लिम ट्रिम वैसा दिखाता है. आई मीन आई माई सेल्फ प्रिफर डूइंग बीइंग लाइक दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हाँ, हर किसी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ी चबी थी, एंड शी वॉज ऑलवेज कंपेयर टू मी. ऑलवेज शी वॉज, मतलब बचपन से जो उसने झेला है रिलेटिव से, लोगों से, वही शादी की बात को लेकर सब चीज़ें एग्जैक्टली द सेम. एंड वी एक्चुअली फॉर मैनी ईयर्स मेरा और मेरी सिस्टर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, बिकॉज शी ऑलवेज फेल्ट कि क्यों उसकी तारीफ हो रही है, मेरी क्यों नहीं. और ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी यू नो हैज समथिंग गुड इन देम. ब्यूटी इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, इट्स बियॉन्ड स्ट्रक्चर, इट्स बियॉन्ड कलर. ओके, तो हम लोग हमेशा स्पेशली हम लोग एक गोरे किसी को देखते हैं, पतले को देखते हैं, तो हम सोचते हैं खूबसूरत है, कोई जो सांवला है या फिर कोई जो थोड़ा हैवी है, तो उन्हें हम लोग उतना उस नज़र से नहीं देखते हैं. तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट राइट. और कहीं ना कहीं आप उस बंदे का या उस फीमेल का या उस मेल का आप कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं, और वो चीज़ें वो लेके काफ़ी सालों तक, मतलब इनफैक्ट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ, यू नो दे जस्ट हैव दैट हैवीनेस इन देम कि मैं वो ड्रीम्स अपने पूरे नहीं कर सके, मैंने वो ड्रीम्स पूरे नहीं किए, तो दिस इज नॉट राइट. तो जो ये कर रही है कमाल की चीज कर रही है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर सच में. आई मीन शी इज रियली चेंजिंग लाइव्स ऑफ सो मेनी. मीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर प्रोजेक्ट बनते हैं, फिल्में बनती हैं,
लिखा जाता है कि वेट लिखा जाता है पतली लड़कियां और तो आने वाले दिनों में कोई ऐसी मूवीज वगैरह बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे प्लस साइज? जी बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत लोगों ने ये शुरू कर चुके हैं। आप देखिए बहुत सारी एड्स आजकल जो बन रही है वो प्लस साइज लड़कियों को लेके बना रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉमन फेस है हिंदुस्तान का या दुनिया का कह सके, क्योंकि बहुत लोग नॉर्मल जो एवरेज लोग होते हैं वो प्लस साइज ही होते हैं, क्योंकि इंडियन बॉडी इज मेड लाइक दैट वी ऑल आर नॉट वेरी थिन एंड लाइक यू नो फ्रेल। हमारा खाना पीना है हिंदुस्तान का ऐसा है कि हम लोग सब हरे पूरे पृष्ट घर से को बिलोंग करते हैं, तो काफी वो हद तक चीजें चेंज हो गई है, काफी फिल्में बन रही है, काफी एड्स बनती है, काफी शॉर्ट फिल्म्स बन रही है प्लस साइज के ऊपर। और अगर कोई मुझे कास्ट करना चाहता है एज अ प्लस साइज एस मॉडल, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। मेरा ये आखिरी सवाल है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको मना कर दिया हो कि ना काफी मोटे हैं बन जाइए, आप गए हो और आप बहुत ही निराश होकर बाहर निकले हो? बहुत जगह सर, बहुत जगह। मैम थोड़ा सा वेट आपका ज्यादा है, ये कैरेक्टर के लिए आप सूट नहीं करती है। माँ जो है थोड़ी हॉट एंड हैपनिंग माँ, क्यों भाई प्लस साइज माँ हॉट एंड हैपनिंग नहीं हो सकती है? देखो है ना हॉट हैपनिंग। टू मीट बीना जी एट द ऑडिशंस ऑल द टाइम, वन डे आई सॉ फेसबुक एंड आई सॉ हर वॉकिंग द रैंप एंड आई वाज लाइक I really got goosebumps and I said, my God, this is commendable. Like, you know, how did she shift from an audition and went on the ramp and a plus size model? It was always my dream to walk the ramp, but because of the size, I could never not walk. And it's come true, like, you know. Then Beena remembered that I had told her, give me a chance next time whenever there is. So in Gurgaon, there was in March 2021, she told me there's a ramp walking for La Global. Do you want to take part? So I said, yes, of course. And I just jumped up. I was so excited, like, you know. So yes, I did La Global 2021. And I got a crown first. I got Ageless Beauty. And I also got International Diva. Then in Vardha, I got runners up. And this is the third time with Beena ji. Thank you, Beena. Hello, I'm Divya. So I'm a plus size, international plus size model. Like Beena ma'am also said that every plus size girls, like when I was also a kid, mujhe bhi bahut bully kiya jata tha by everyone, okay? And I always used to, when I used to see there, like every girl wants to, of course, walk the ramp. And I also had a dream ki maybe ramp walk karu and all that. And then an angel came in my life, and again, that's Beena Malji. She is someone who has given that confidence to me. She's my mentor. And 1 year back, she crowned me in that pageant. And today, it's a proud moment for me ki main unke hi show mein as a jury hoon. And yes, I would like to say all the plus size women here that start loving yourself, because you all are beautiful and our curves are really beautiful. And I will always remain indebted towards Beena ma'am. Thank you. Hi, I'm Pravesh from Goa. मॉडल बनना मेरा बचपन से ही सपना रहा, पर वो पूरा नहीं हो पाया कि हाइट नहीं है, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी जो नहीं हो पाया। लेकिन इस एज में आने के बाद अब ये मौका मिल रहा है और हम एक रैंप पर वॉक कर रहे हैं, तो द कैलेंडर जर्नी जो शो है, यहाँ आके मुझे जो फील हुआ, जो अच्छा लगा कि सबके लिए इक्वलिटी है, कुछ भी यहाँ पे किसी के लिए भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो ये हमारे लिए एक यूनिक शो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस शो में आके पता लगा है कि एज मैटर नहीं करती है, ये मैटर करता है कि आप क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो, तो वो बीना मैम ने हमें मौका दिया है। एंड थैंक यू सो मच बीना मैम। हाय माई सेल्फ मीनल जाधव, और मैं भी मदर हूँ दो बच्चियों की। लेकिन कैसे होता है, जैसे प्रवेश ने कहा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करने का बहुत ज़्यादा चाव था। पहले दुबली पतली थी, शादी के बाद यू नो ऑलवेज हर औरत का वेट पुट ऑन हो जाता है, मेरा बहुत ज़्यादा हो गया ऐसा कह सकते हैं, और सपना सपना ही रह गया। लेकिन बीना मैम को फॉलो करते करते इंस्टाग्राम पे एक जज्बा पैदा हो गया, इसीलिए बीना मैम से कांटेक्ट किया, बीना मैम से बातचीत हुई, बीना मैम ने इंस्पायर किया
एंड थैंक यू सो मच बीना मैम एंड माय डॉटर्स. थैंक यू. करना चाहती हूँ एलजीबीटी कम्युनिटी के इन सदस्यों का जिन्होंने आगे बढ़ के मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे सपोर्ट किया इस शो के लिए. वरना ऐसा सुनने में आता है कि ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ही क्लोज्ड कम्युनिटी होती है, ये ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है लोगों से, यू नो. तो मैं इनके बहुत तारीफ़ करती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ और दाद देती हूँ उनकी करेज की कि ये लोग खुल के आगे आ रहे और बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे ये बताने में कि हाँ हम LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और हम तुम लोगों से कुछ कम नहीं हैं. तो आई एम सो प्राउड ऑफ दीज पीपल, ऑल फोर ऑफ देम. और मैं हमें ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ इस मुहिम में अपना एक हाथ दिया. आपका नाम? एलिजा बेनजीर. प्रिया महा. एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं आप? आपका? शालिनी कुंजी. तरुण चौधरी. क्या कहना चाहेंगे, एक नया नाम दिया गया है एलजीबीटी. पहले कुछ और नाम से बोला जाता था लेकिन एक नया नाम जो आया है, और पहले जो है बहुत तिरस्कार की जिंदगी जीना पड़ता था, लोग बोलते थे वो जा रहे हैं. लेकिन आज एक दर्जा दिया गया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं. आपको बता दें ओजस रोजानी, बड़े बड़े लोग हैं इंडस्ट्री में हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, बट एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक लेवल बना दिया है. क्या कहना चाहेंगे, और उसकी बड़ी बात यह बीना जी ने आज आपको इन्वाइट किया है. वी आर वेरी थैंकफुल टू बीना जी के उन्होंने हम लोगों को यहाँ लेके आए, हम लोगों को ये बताया कि LGBTQ हम लोग भी खुल के जी सकते हैं और जो ज़िंदगी सब लोग करते हैं उनके इक्वलेंट में हम लोग भी अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं. कितना एक्साइटमेंट है ये ग्राउंड जो पहना आपने इसके बारे में? आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू बीना जी एंड थैंक्स टू माई क्रू मेम्बर्स ऑल्सो. क्या करते हैं आप? नो आई कांट डिस्पोज सर, सॉरी. आई एम फ्रॉम आईटी सेक्टर. तो ये जो है आपको कोई बोलता है एलजीबीटी तो क्या बुरा लगता है? नहीं लगता. पहले हमें बहुत बुरा लगता था, अब हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है क्योंकि हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने एक रूल बनाया. And we can stand for that because love is love. वो किसी को भी किसी से भी हो सकता है. जब आप अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हो तो आप किसी से भी प्यार कर सकते हो. Love is always win. तो आपको अपने लिए खुद से स्टैंड लेना है तो आपको खुद ही आगे बढ़ करके स्टैंड लेना पड़ेगा. अगर आप अपने माँ बाप से चीज़ें छुपाओगे तो आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. सो आई प्राउड वेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, उन्होंने उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था बट नाउ दे आर सपोर्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. ऐसे कुछ नहीं. आई एम शालिनी. आई एम थैंकफुल टू बीना फॉर मीटिंग अस हियर एंड गिविंग वॉइस टू व्हाट वी हैव टू से. आई एम thankful to everybody here for one key word, which is acceptance. So right. This has been lacking for so many years, and we see over the last few years there is acceptance, because the LGBT community is not just one community. It is a very, very wide and different kind of people, but they are different from everybody else. That's what everyone thinks. But even the four of us are very different from each other. Yes. Okay, in various things. But as such, we are lumped together as one community, and society used to keep away from the LGBT community. But what I am seeing very, very thankfully and very happily, and thanks to people like Bina who has been inviting us and accepting us with open arms, that the entire country is actually much more receptive and more open and more accepting of the LGBT community than even a few years ago. Thank you. Yeah, really, I am very much impressed the way you handled us. Thank you, ma'am. Thank you so much. और अपने प्लस साइज के कारण बचपन से बॉडी शेमिंग हुआ है, यहाँ तक कि माँ हमेशा कहती थी तुझसे शादी कौन करेगा. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, आई हैव बीन मैरिड ट्वाइस. आई हैव द करेज एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ प्लस साइज वुमन, बिकॉज एनी साइज यू आर द एपिटमी ऑफ लव, compassion and enthusiasm.
बीना मल जी के साथ ये शो करते हुए द कैलेंडर जर्नी 2022, वो भी कोविड टाइम्स में, एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है. आई हैव कंटेस्टेड फॉर द एजलेस कैटेगरी. आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी एजलेस बट स्पिरिटलेस. There's so much of energy and enthusiasm. People like Beena Malji, they add life to our ordinary lives. Ek education sector se kabhi humne nahi socha ki fashion ki duniya ke sath hamara koi rabta hoga. Aur dekhe, fashion pe ramp walk kiya, apni ek pehchan chhodi aur itne sare logon se milna is umar mein, when you belong to the ageless category. Beauty doesn't see size, weight, कलर, सेक्स और फॉर्म. ये इसी शो पर आकर मालूम हुआ कि यहाँ पर हमें 71 इयर्स से मिलना हुआ, 4 इयर्स से मिलना हुआ, द ब्यूटीफुल एलजीबीटी कम्युनिटी से मिलना हुआ, उन लोगों से मिलना हुआ जो 55 में भी फिट हैं, यू नो. एंड हम जैसे लोग भी कहते हैं हमें फैट है, पर हम कहते हैं मैं फैट से फिट हूँ. क्या रॉन्ग है इसमें? Hello, I'm Mrs. Vidya Ganguly. I'm a banker, but I'm a retired person now. I've got two sons and families are there. I was a professional dancer up to the age of 17-18. Tabhi bahut shock tha, but wo zamane mein tha ke parents never used to allow you to go for programs and all. But mera man mein bahut tha, then I thought that I'll do something. I was very thin, slim, everything. After getting now this chubby body, then I was thinking what to do. Then Beena met me and Beena told me that, don't worry, I am also more fatter than you, don't worry. But be with me, you have to walk. Thank you.